न्यूज़ प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। शाहपुरा के खोरी गांव में बिंदु बनूंगा घोड़ी चढ़ूंगा, राजस्थानी प्रथम वेब सीरीज की शूटिंग पांचवें दिन भी जारी रही। लगातार शूट किए जा रहे फिल्म में शॉट कल विवाह समारोह कार्यक्रम का हुआ सीन। हजारों की संख्या में ग्रामवासी देखने पहुंच रहे शूटिंग तथा शूटिंग यूनिट को कर रहे सहयोग। गांव में शूटिंग को लेकर बना हुआ है खास उत्साह। गांव में खुशी का माहौल। शूटिंग कवरेज करने पहुंची न्यूज प्लेस के सीनियर न्यूज रिपोर्टर विजय तांबी के साथ फिल्म के हीरो एवं हीरोइन के साथ एक खास बातचीत, देखिए रिपोर्ट। भारद्वाज जी, राजस्थान की प्रथम वेब सीरीज बींद बनूंगा घोड़ी छोड़ूंगा ग्राम पंचायत खोरी में आप शूट कर रहे हैं, पहले बात तो वो खोरी का चयन कैसे हुआ? देखिए जी, जो हमारे जो पूरा प्रोडक्शन संभाल रहे हैं मिस्टर सुशील नरेड़ा जी, ये उनका गांव है खोरी और बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे बहुत पुरानी हवेलियाँ हैं, पुराना मंदिर है और यहाँ के लोग, सबसे बड़ी बात है कि शाहपुरा के और खोरी गाँव के लोग बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्यार दे रहे हैं और अच्छा लग रहा है यहाँ पे शूट करके, बिल्कुल ऐसा घर जैसा फील हो रहा है। तो इस चयन का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जहाँ भी हम लोग शूट करते हैं ना, तो वहाँ के लोगों का जो प्यार मिलता है और वहाँ के लोगों का एक आपसी स्नेह बन जाता है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो फिल्म की स्टोरी है उसमें आप मैन फीमेल लीड रोल कर रहे हैं? ये फीमेल लीड रोल कर रही है जी। तो इसमें आप बताएंगी अपनी भूमिका के बारे में? मेरी जो फैमिली है या पूरा गांव कहें, पूरा गांव है जहां पे एक प्रथा चली आ रही है कि गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के से ही शादी की जाएगी, प्राइवेट जॉब वालों से शादी नहीं की जाती है। तो मैं भी उसी फैमिली से एक बिलोंग करती हूं, जहां पे मेरे जो फादर हैं वो चाहते हैं कि मेरी जो शादी है उनके ऑफिस में एक गवर्नमेंट ऑफिसर है उससे मेरी शादी हो जाए, और ये गोपाल है जो कि अभी इसकी नौकरी नहीं लगी है। तो बाकी हम क्या है, ज़्यादा कहानी तो रिवील करेंगे नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। एक्चुअली बींद बनूंगा घोड़ी चढ़ूंगा जो राजस्थानी वेब सीरीज है ना, ये कॉमेडी सटायर है सरकार के कुछ चीज़ों के खिलाफ। सरकार की चीज़ों के खिलाफ नहीं है, ये आपसी जो एक भ्रांतियाँ होती है कि हर लड़की का के माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा जो दामाद हो वो सरकारी नौकरी में हो, तो कुछ भ्रांतियाँ हमारे समाज में ऐसी है जिनको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी में ही सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, प्राइवेट नौकरी में भी बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज है, बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये कहानी एक ऐसे कैरेक्टर, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की इर्द गिर्द है और बहुत ही कॉमेडी कहानी है कि वो लोग अपनी सरकारी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उसके साथ साथ में अपने प्यार के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। तो इन कुंवारों की एक पीड़ा है जो इस राजस्थानी वेब सीरीज़ के हम लोग के अंदर हम दिखाएंगे आप लोगों को, और ये स्टेज ऐप पे आने वाली है बहुत ही जल्द। जब आपको स्टोरी सुनाएगी, इसका नरेशन सुनाया, इसको प्लॉट बताया डायरेक्टर साहब ने, तब आपकी वो